जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी को सेफ स्कोर को लेके। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है फाइनल लिस्ट के लिए, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो शेयर करना उन बच्चों के साथ जिन्होंने अग्निवीर का एग्जाम देके रखा है। अपना सेफ स्कोर अगर वो जानना चाहते हैं वीडियो को जरूर शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, यानी कि आपको फिजिकल के लिए सिलेक्ट होने के लिए आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर दोस्तों आपका उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन किए होते हैं, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। जितने गलत होंगे उतने नंबर आपके कट हो जाते हैं, जितने सही होंगे उतने नंबर आपके बढ़ जाते हैं, उसी हिसाब से आपका सेफ स्कोर बनता है, ठीक है। अभी बात करूं कि जो बच्चे सेफ स्कोर में कौन से बच्चे रहने वाले हैं तो आगे वो जा सकते हैं फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों ने 21 से लेकर 27 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बिल्कुल सही ठीक किए हैं वो बच्चे फिजिकल के लिए जा सकते हैं फाइनल लिस्ट में, उनका नाम आ सकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 21 से लेके 27 क्वेश्चन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही किए हैं, 21 से लेके 27 क्वेश्चन, ठीक है, मैं 30 नहीं बोल रहा, 27 बोल रहा हूँ। 30 वालों का तो हो जाएगा बहुत आराम से, 40 वालों का भी हो जाएगा, 50 वालों का भी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा उनका। पर जिन बच्चों के कम नंबर है, ठीक है, जिन बच्चों ने कम क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल अगर सही किए होंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, तो जिन बच्चों ने कम क्वेश्चन किए हैं लगभग 21 से लेकर 27 क्वेश्चन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही किए हैं, कट ऑफ डाल के पूरा उन्होंने नंबर अपने मैक्सिमम किए होंगे, तो जिन बच्चों के 21 से लेकर 27 तक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं वो फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं आगे, ठीक है। उनका सेफ स्कोर सेफ रहने वाला है, फिजिकल के लिए सेफ रहने वाले वो। अभी कुछ बच्चे वो भी होते हैं जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है या फिर रिलेशन का सर्टिफिकेट होता है, तो उन बच्चों का अगर उन्होंने भी 21 से लेकर 27 क्वेश्चन अगर बिल्कुल उनके सही हो रहे हैं तो वो तो बहुत आराम से फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है और रिलेशन में कोई ना कोई भर्ती हुआ रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं अगर 21 से लेके आपके कम क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जहां आपने 18 क्वेश्चन किए हैं, 19 किए हैं या 20 किए हैं, क्या वो उनका सेफ स्कोर आगे सही होगा, फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार 14 से 15 जिन बच्चों के क्वेश्चन भी सही हुए थे ना, वो भी फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो गए थे, बट उनके 14 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, कोई गलत नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा जिन बच्चों ने 20 से भी कम क्वेश्चन अगर करके रखे हैं तो उनको लगता है मेरे क्वेश्चन सही है जो मैंने किए हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी जारी कर दो फिर, ठीक है दोस्तों, फिर उनका फिजिकल में नाम सिलेक्ट हो सकता है। पर अभी मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों के 21 से लेकर 27 तक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं, कटकटा के बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं, तो उनका फिजिकल के लिए वो तैयारी कर दो, क्योंकि उनका सेफ स्कोर होने वाला है, तो फिजिकल के लिए आप तैयारी करो जितना जल्द हो सकता है, वो आगे सिलेक्ट हो सकते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, रिजल्ट बहुत जल्द आपका आने वाला है, आप फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आर्मी अपडेट चैनल पर आपको हर एक नई जानकारी दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।